हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं वंक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए गाइस, उसे शुरू करते हैं। जो हमारे वंक्शन का जो घर था ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुली सजा होता है। हर जगह वाइट रंग के फूल और बिल्कुल बेबी पिंक कलर के फूल ही फूल खिले होते हैं। ना जाने कितनी लोग वहाँ पर चहल पहल चल रही होती है। वांग जी ने एक पूरा मतलब पूरा घर को, जो उनका लैंस का घर था, पूरा डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैंशन, एकदम महल जैसा था, पूरा डेकोरेट करने के लिए बुलाया हुआ था। उनके घर में जितने भी वैकेंट रूम थे, उन सबको फूलों से, फ्रेश एयर के साथ, फ्रेश फ्रेग्रेंस के साथ सजाया गया था। और पूरा माहौल ना एकदम चहल पहल में बदल गया था। धीमे धीमे सॉन्ग्स चल रहे थे और एकदम से होच पोच, ना जाने कितने लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ आए हुए थे। और आज विभूषण लवांची के साथ तैयार हो रहा होता है। विभूषण अलग रूम में होता है और लवांगजी अलग रूम में। छिभजन और लवांगजी एक साथ तैयार हो रहे होते हैं। दोनों भाई बहुत नर्वस होते हैं क्योंकि आज उनकी शादी का दिन था और दोनों ओमेगा एक साथ तैयार हो रहे होते हैं। विभूषण कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा रहा होता है क्योंकि शादी थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी होगी और इतना सब कुछ होगा। मतलब सब चीज़ें अनप्लान थी। तो विभूषण जो है वो नीहर सिंह को कहता है, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? नीहर सिंह कह रहे हैं, नहीं मुझे घबराहट नहीं हो रही, बस मुझे दगों से थोड़ा सा डर लगता है। उनके सामने वाउस लेना मुझे बहुत ही अजीब सा लगेगा। विभूषण कहता है, मैडम यू भी वहाँ होंगी। और उनके सामने याद है ना, एक किस क्या हो गई थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके सामने शादी के लिए आई डू बोलना मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो विभूषण नीहर सिंह जो है वो एक दूसरे को टाई बनाते हुए अच्छे से तैयार करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों मतलब तुम अच्छे लग रहे हो। दोनों के दोनों वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो सच में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। दोनों व्हाइट कलर के सूट्स में होते हैं और बो टाई पहनी होती है। वो दोनों बहुत एक्सट्रीम लेवल के खूबसूरत लग रहे होते हैं और उनके हाथ में रेड कलर के रोज़ेस के बुके होते हैं। जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है, क्या तुम नर्वस हो रहे हो? मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। लंचा और जीवजुन कैसे हमारा वेट कर रहे होंगे ना, कितनी शर्म आएगी मुझे तो। तो हमारा नीहर सिंह कहता है, और मुझे तो ये डर लग रहा है कि दगो आओगे। विभूषण कहता है, कितने डरपोक हो तुम। तो नीहर सिंह कहता है, अच्छा तुम डरपोक नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता मैडम यू से डर? तो विभूषण हंसने लगता है और कहता है, शायद थोड़ा सा लगता है, बट अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। वो दोनों के दोनों तैयार होकर नीचे के लिए आने की सोचते हैं। उन्हें लेने काफ़ी सारे लोग आते हैं। चंचा, मैडम यू, चियांग यानली, यहाँ पे नी मिंगजू। नी मिंगजू का जो पार्टनर होता है, जो कि जिन ग्वांगियाओ होता है, वो सब वहाँ उसे लेने आते हैं। यहाँ पर लोवांगची और लेन शिचन तैयार हो रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में होते हैं, ब्लैक कलर के, और वो सुपर लग रहे होते हैं बो टाई के साथ। इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, और दोनों ने अपने अपने पॉकेट में लाल कलर का गुलाब लगाया होता है। वो इतने एलिगेंट, इतने ब्यूटीफुल लैंजेट्स लग रहे होते हैं, जैसे मानो उनको देखते ही ना, उन दोनों अल्फा को सबका दिल पिघल जाएगा। लड़कियां मर जाएंगी एकदम चिल्लाती हुई, लोवांची जे वचन, बिल्कुल ऐसे। और आई मीन वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो वहाँ लंचरन आते हैं उन्हें देखने के लिए। लंचरन जब अपने दोनों नेफ्यू को देखते हैं ना, इतने ब्यूटीफुली एक ही अटायर में तैयार हुए। दुल्हा दुल्हन ने यहाँ पर एक जैसे ही कपड़े पहने थे, दोनों दुल्हों ने एक जैसे, और दोनों मतलब हस्बैंड्स ने, यानी कि बॉटम्स ने एक जैसे। लंचरन बहुत इमोशनल फील करते हैं आज अपने नेफ्यूज़ की शादी देख के। और वो कहते हैं, अगर चिंगेजन और मतलब मैडम लैन यहाँ होती तो उन्हें बहुत प्राउड हो रहा होता कि तुम दोनों ने पार्टनर्स चुन लिया, उनके साथ एक महीने से रह रहे हो और शादी का डिसीज़न ले लिया। आज मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी खुश होते। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा आज मैं तुम दोनों की शादी करने जा रहा हूँ। तो लेन चचन और लवांगची उन्हें नोट करते हैं और कहते हैं, अंकल हम बहुत मतलब बहुत लकी फील करते हैं, आपने हमारी इतनी अच्छी तबीयत की, आपने हम लोगों को हर चीज़ सिखाई। माना आप स्ट्रिक्ट थे लेकिन अपने हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा, मुझे बहुत खुशी है। और लवंगची को भी, लवंगची कहता है, अंकल इतने सालों तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, आपने सच में बुरे और अच्छे दोनों टर्म्स में हम लोगों का हमेशा साथ दिया है। हम लोगों को वो करने दिया जो हम करना चाहते थे और हमें इतना प्यार दिया, इस पूरे लैंड एम्पायर को संभाला जो कि एज अ इंडिविजुअल किसी के बस की नहीं होता। आपके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ थी जो कि आपने बखूबी निभाई। हमें बहुत अच्छा लगा कि मदर फादर के बाद आपने हमारा ख्याल रखा। शिफो, वो दोनों के दोनों पहली बार लंचरन के गले लगते हैं और
अंकल की आंखों से भी आंसू आते हैं और वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा ब्लेस रहो, तुम्हारे ओमेगास के आगे मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत दोनों शैतान हैं, लेकिन मेरे नेफ्यू मैं बहुत खुश हूँ आज तुम लोगों ने अपनी पसंद से अपने अपने हस्बैंड्स को चुना है, अपनी अपनी ब्राइड्स जो कि ग्रूम ही हैं उन्हें चुना है। लवांग जी और लिन शिचन दोनों की आंखें थोड़ी नम हो गई थीं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की याद आई जब उन्होंने लिन शिचन को गले से लगाया और एक फादरली हग उन लोगों ने इतने सालों बाद किसी से पाया, स्पेशली अपने चाचा यानी कि अपने शिफू से। ये टाइम बहुत ही प्रीशियस था उन लोगों के लिए। लिन शिचन उन दोनों को नीचे लेके जाते हैं, सारी भीड़ उन्हें देख रही होती है, वो लोग लेंस के इतने बड़े हॉल में बैठे होते हैं, वहाँ पर उनके काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स या फिर बिजनेस पर्सन आए हुए थे, उन्होंने ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी की हुई थी लेकिन जितनी भीड़ थी वो सारी एलीट क्लास की थी और वो सारे के सारे बहुत ही बिलीनियर्स थे। वहाँ पर पादरी के सामने वो लोग खड़े होते हैं, उनकी ब्राइड्स की फैमिली यानी कि उनके जो सेकंड हस्बैंड से बॉटम्स से उनकी फैमिली वहाँ उन्हें लेके आती हैं, विभुजियान खोजियांगयाली जंगचा पीछे पीछे जंग फेमिया और मैडम यू लेके आ रहे होते हैं, नी हुसैन को उसके दग यानी कि नी मिंचू और जिन घुआंगयाओ लेके आ रहा होता है, वो दोनों को दोनों शर्मा रहे होते हैं, हाथों में बुके पकड़ा होता है फूलों सा वो भी रोज़ का, और वो आके अपने अपने हस्बैंड से साइड में खड़े हो जाते हैं। पादरी वॉक्स लेता है, वो लोग वॉक्स लेते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और उन दोनों की दोनों अल्फाओं की शादी दोनों मोइकाओं से हो जाती है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा जश्न रखा होता है जहाँ पर सारे कपल्स डांस करते हैं सिवाय हमारे जो जंग हमारे जंगचा के, जंगचा जो है वो खड़ा रहता है एक कोने में, वो देख रहा होता है सबको डांस करते हुए। अब तो सबके पास कपल था सिवाय जंगचा के, जंगचा भी देख रहा होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तभी वेनिंग वहाँ आ जाता है, वेनिंग जो कि एक बेटा था वहाँ आता है और उसे डांस के लिए पूछता है। जंगचा कहता है कोई बात नहीं, वैसे मुझे इतना कोई खास डांस वांस आता नहीं। वेनिंग कहता है ओ चलो ना तुम भी ड्रामे खोर हो। वेनिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। वेनिंग कहता है वैसे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगचा कहता है क्या, वो इतनी तेज क्या बोलता है कि सारी की सारी भीड़ उसे देखने लगती है। तो वेनिंग कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगचा कहता है मेरे मदर फादर भी यहीं हैं, चुप करो ये क्या बकवास कर रहे हो। वेनिंग कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, आई लाइक यू। जंगचा कहता है मैं बाद में जवाब दूंगा, मुझे डांस वांस नहीं करना, और वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है और बाहर में बैठ के ड्रिंक करने लगता है। विभुजियान लवांगची तो एक दूसरे की बाहों में खोकर डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो हमारा छिवजन और ये जो नी होइसिंग होता है वो भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से कपल डांस कर रहे होते हैं। और वहाँ तीन एल्डर्स यानी कि जियांग फेंगमिया, मैडम यू और हमारे लिन शिचन की आंखें नम हो रही होती हैं। जियांग फेंगमिया कहते हैं चरण मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे अडॉप्टिव सन ने तुम्हारे निफ्यू को चुना, और वो कहता है मुझे भी प्राउड होता है, बस ये वी को मत बताना क्योंकि वी तुम्हारा निफ मतलब अडॉप्टिव सन बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। जियांग फेंगमिया कहता है तभी तो लवांगची को इतना पसंद है, अगर वो अजीब होता तो लवांगची उसकी कभी नहीं बन पाती क्योंकि तुम्हारा नेफ्यू जितना शांत है मेरा विंग उतना चुलबुला। तो लिन शिचन उसकी बातों को हामी भरते हुए कहते हैं ये तो है लवांगची कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाता लेकिन विंग उसके दिल की बात समझ जाता है और उसके साथ खुशी से रहता है। लवांगची माना कि बहुत पोजेसिव है विंग को लेके, लेकिन तुम्हारा नेफ्यू भी कम नहीं है, बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता है वो, अभी तुमने देखा ही नहीं है अपने नेफ्यू को अपने अडॉप्टिव सन को। तो जो हमारे जियांग फेंगमिया होते हैं वो कहते हैं विंग बहुत ही स्पेशल है, वो हमेशा से एक स्पेशल चाइल्ड रहा है। सच बताऊँ ना तो उसके पेरेंट्स आज यहाँ होते उसकी मदर वो तो कितनी चुलबुली थी, उसे बहुत प्राउड होता कि उसने लवांगची जैसा एक हस्बैंड चूज़ किया है। ये बात मैडम यू भी सुनती है और वो मुस्कुरा के कहती हैं बिल्कुल वो कांगसे की डिट्टो कॉपी है और मुझे खुशी है कि कांगसे उसके अंदर आज भी जिंदा है और लवांगची विंग के अंदर उसकी मदर को भी देख सकता है। मुझे खुशी है वो जहाँ होंगी वो विंग के इतने अच्छे पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा खुश होगी। मुझे तो अब अपने बेटे का डर लग रहा है कि वो किसे चूज़ करेगा, और जिस तरह से वेनिंग ने उसे अभी प्रपोज किया है मुझे डर है कि मैं अपने पोते पोतियों का मुंह भी देख पाऊंगी या नहीं। तो जियांग फेंगमिया कहता है ओ कम ऑन यू, अब तुम मत शुरू हो जाना, तुम्हें पता है अगर वो
वेंडिंग को चूज़ भी करता है तो वेंडिंग बहुत अच्छा लड़का है। बस ये है कि अल्फा और बीटा की मीटिंग में उनके बच्चे होना हो, अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो मेरा बेटा है अचिंग, वो खुश रहना चाहिए, इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम यू कहती है, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है, अब मैं अपने बच्चों की खुशियों के आगे उन्हें सेक्रीफाइस करने दूंगी या कोई प्रॉब्लम बनूंगी? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक ले लिया है, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे खुश रहें। तभी वहाँ पे वी विज्ञान आता है और वो चंगचा को ढूंढते हुए वहाँ आया होता है। वो मैडम यू और जियान फेंगमैन को देखता है और उन्हें डांस करने के लिए डांस फ्लोर पे बुलाता है। वो उन दोनों का हाथ खींच के ले जाता है और उन दोनों से कपल डांस कराता है। मैडम यू काफ़ी इन्जॉय करती हैं उस डांस को करते हुए और जियांग फेंगमिया भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पर मैडम यू के साथ वो टाइम। वो लोग एक सॉफ्ट रोमांटिक ओल्ड सॉन्ग बजाते हैं जिस पे वो लोग डांस करते हैं। वी विजन काफ़ी देर उन्हें स्टेयर करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अपने मदर फादर जियांग फेंगमिया और मैडम यू के अंदर आ गए हों और वो लोग ऐसे हैप्पीली फैमिली की तरह रहते हैं। जो यहाँ पे हमारा लवांगची होता है वो पीछे से विंग को हक करता है और कहता है, माई हस्बैंड। विंग भी उसे कहता है, क्या मैं भी ये दोबारा कह सकता हूँ? वांगची सिर हिलाता है। विंग कहता है, माय हस्बैंड वांगची, आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अब मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ और तुम मुझे। वांगची कहता है, विंग मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आज से तुम मेरे हस्बैंड हो, आज से और आने वाले हज़ार जन्मों के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। यहाँ लंचन भी रोमांटिक फील करते हैं। वो बिनी हुए सिंह के पास जाते हैं और उसे एक टिक किस करते हैं और कहते हैं, हस्बैंड। तो न्यू हुए सिंह कहता है, थको है मत करो। तो लंचन कहता है, कितना डरते हो तुम अपने भाई से? वो कहता है, ब्रदर ना बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लंचन कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम मेरी मेरी जागीर हो, अब तुम मेरे हस्बैंड हो और अपने हस्बैंड को चेक किस करने में तुम्हारे ब्रदर को क्या प्रॉब्लम होगी? अब तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा। यह सिंह शर्माता है और उसे हक को लेता है। दोनों की एक बहुत प्यारी सी यहाँ पर एक स्मूथ सा हग होता है, बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है। तभी लंचरन अनाउंस करता है कि वो चिवचुन लवांगची को दोनों को एक साथ ही हनीमून के लिए भेज रहे हैं। दोनों भाई जो हैं वो एक होटल में तो होंगे बट फ्लोर अलग अलग होंगे ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें लेकिन वो चारों आराम से घूमने जा सकें। और वो कहते हैं कि मैंने प्लान किया है कि तुम लोग 10 दिन के हनीमून पे आराम से घूमने जाओ और छुट्टियां लो, यहाँ से दूर जाओ, अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी इन्जॉय करो। सारे हैरान होते हैं कि ये ओल्ड मॉन्क यहाँ पर कैसे बदल गया और वो 10 दिन के हनीमून के लिए उन लोगों को फ़ौरन जाने के लिए कह रहा है। वहाँ पर जो लंचरन होते हैं वो उन्हें टिकट्स देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी एक दो शहर मतलब एक दो फॉरेन कंट्रीज़ बुक की हैं ताकि वहाँ पे वो लोग जाएं, आराम से अपना टाइम बिताएं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जेवजन हंसने लगते हैं क्योंकि लंचरन का ये मतलब हिस्सा या ये टाइप तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन वो दोनों के दोनों ब्रदर बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वो आखिर जा कर आए हैं हनीमून पे। ये एक सीक्रेट है जिसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वेंशन जितने भी फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उनके साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।